हेलो वेलकम बैक मैं हूं संजीव पांडे आप देख रहे हैं एडुमंत्रा. मंत्रा तो यस एक और गुड न्यूज़ जितने भी बच्चे हमारे संस्कृत से जुड़े हुए हैं ठीक है मतलब उनका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वो लोग चाह रहे हैं कि सर हिंदी के अलावा संस्कृत भी ले आइए तो जी हाँ आपकी जो बात है वो सुन ली गई है और संस्कृत के हमारे पास एक जबरदस्त टीचर जो है वो आ चुके हैं इनका नाम अभी मैं नहीं बता रहा आप मतलब आई गेस काफी लोग काफी लोग जानते होंगे उनको तो आप लोग कमेंट करके बताना इनका नाम और इनका जो शुरुआत है इनका इंट्रोडक्शन इनका बेसिक क्या चीज कराने वाले हैं हमारे सर ही आपको बताएंगे तो आइए देखते हैं यस तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं मंत्रा और मैं हूं आयुष तो स्टूडेंट आज से हमारा संस्कृत का जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाला है मतलब कि आज से एडो मंत्रा पे क्लास टेन संस्कृत की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है लेकिन स्टूडेंट मैंने सोचा कि पढ़ाई स्टार्ट कराने से पहले यानी कि जो आपका सिलेबस है उसको स्टार्ट कराने से पहले आपसे एक बातचीत की वीडियो बना ली जाए अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर बातचीत कहाँ हो रही है यहाँ तो आप ही बोल रहे हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं जान रहा हूँ तो आज उन्हीं का मैं जवाब दूंगा और बताऊंगा कि संस्कृत को हम कैसे कंप्लीट कराएंगे और हमारा स्ट्रैटी क्या रहना चाहिए और हमारा प्लानिंग क्या रहना चाहिए हमारे कौन से बुक रहने चाहिए और हमें कितना देर पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले संजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये हमें मौका दिया तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहला आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लेकिन एक दो कॉमन क्वेश्चन है कि सर संस्कृत हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और इसके पीछे के सर कई कारण हैं हो सकता है कि सर हमने पिछली क्लास में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया ना नाइन्थ में ना एट में ना सेवन में ना सिक्स में या हो सकता है कि सर हमने संस्कृत पे ध्यान ही नहीं दिया अब हम क्या करें तो देखिए स्टूडेंट इस सभी सवाल का एक ही जवाब है कि क्लास टेन संस्कृत में मार्क्स लाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा तीस मार खान बनने की जरूरत नहीं है यह मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा आपको आचार्य बनने की ज़रूरत नहीं है क्लास टेन संस्कृत में मार्क्स जो है बड़े स्मार्टनेस से आते हैं ठीक तो इस बात की तो चिंता आप छोड़ ही दीजिए कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपका बेसिक कितना खराब है कितना अच्छा है उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो पूरी ध्यान यही रख के पढ़ाऊँगा कि पूरा मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा आपके अगर क्लास सिक्स के भी कोई भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसको भी बताऊंगा इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए और जब वीडियो लेक्चर आएंगे तो एक एक टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा और कैसे उस टॉपिक में बोर्ड में स्कोर करेंगे ये भी मैं बताऊंगा और बहुत सारे बच्चे आप मुझे जान ही रहे होंगे कि मैं मास्टर साहब हूँ मास्टर साहब संस्कृत तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है बस इतना ही कहूँगा अब आइए स्टूडेंट हम अपना थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या सिलेबस के बारे में बातचीत करते हैं कि सिलेबस क्या है और हमारा पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए सही तरीका क्योंकि अभी बहुत बच्चे संस्कृत को एक गलत तरीके से पढ़ रहे हैं आगे बात करेंगे उससे पहले बता दूं स्टूडेंट कि संस्कृत में स्कोर करने के लिए क्लास टेन में आपको कोई बहुत बड़ा तीस मार खान होने की जरूरत नहीं है कोई बहुत बड़ा आचार्य होने की जरूरत नहीं है कोई शास्त्री होने की जरूरत नहीं है बहुत स्मार्टनेस से आप वहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हैं इसलिए घबराइएगा है मत और जो जो मैं कहूँ आज से वो काम आप करना शुरू कर दीजिए अब स्टूडेंट सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानिए क्योंकि आप लोग को मैं मान रहा हूँ और जान भी रहा हूँ कि आप लोग को सही से सिलेबस पता नहीं होगा या किसी ने बताया नहीं होगा अब देखिए शांति से स्टूडेंट सिलेबस को बोर्ड ने दो भागों में बांट रखा है पहला जो सेमूसी है जो हमारा पठी तबोधनम होता है और दूसरा हमारा व्याकरण बच्चे इतना ही जानते हैं आप लोग कि हाँ एक सेमूसी है और एक व्याकरण तो देखिए स्टूडेंट बहुत बच्चे क्या करते हैं आप ही के दोस्त होंगे सेमूसी को पूरा पढ़ लिया एकदम खुश है ऐसे मस्ती में हाँ संस्कृत हो गया तुम्हारा अरे संस्कृत मारेंगे एक के शॉर्ट क्यों नब्बे मार्क्स पंचानवे मार्क्स आ जाएगा लेकिन गलत है स्टूडेंट खाना में जो चटनी का रोल होता है ना वही है सेमूसी सेमूसी कुछ भी नहीं है मेन जो है वो है व्याकरण अब व्याकरण में भी दो पार्ट एक पार्ट तो व्याकरण और दूसरा पार्ट रचनात्मक कार्य और मैं जब आपको स्टूडेंट संस्कृत पढ़ाऊंगा बोर्ड में आने वाले एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा जैसे बोर्ड में प्रश्न निर्माण आते हैं अनुवाद आता है वाच्य आता है इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि उतना बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाया होगा अपठित अबोधनम लिखना सिखाऊंगा पत्र लिखना सिखाऊंगा बहुत सारे टॉपिक तो स्कूल में होते भी नहीं हैं लेकिन मैं सिखाऊंगा ईच एंड एवरी टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा तो रचनात्मक कार्य में हमें पढ़ना रहता है जैसे पत्र हो गया चित्र हो गया और एक अपठित अबोधनम हो गया ये हुआ ये भी एक तरह का व्याकरण ही है लेकिन इसको रचनात्मक कार्य में हम लोग लेते हैं ये प्रैक्टिस का चीज है और व्याकरण में भी स्टूडेंट मैं दो पार्ट मानता हूँ क्या तो एक पार्ट हमारा जो सुलभ व्याकरण मतलब हल्का हल्का व्याकरण है समास है अब समास का नाम लिए कि बहुत बच्चा सर समास हल्का है वो तो इतना भारी है कह के जी का बताइए बहुत हल्का होता है सही से पढ़िएगा बहुत हल्का है तो समास हो गया प्रत्यय हो गया संधि हो गया अव्यय हो गया ये सब एक हल्का व्याकरण माना जाता है और दूसरा टाइप का क्या व्याकरण है जो आपको इधर पढ़ना होगा अनुवाद वाच्य ये सब एक अलग व्याकरण है जिसमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है और सेमूसी में जितने भी हमारे चैप्टर आ रहे हैं वो तो अब आइए मैंने स्टूडेंट इतना बातचीत क्यों किया इसके ऊपर इसके पीछे क्या यही वजह है कि पढ़ने का मैं आपको तरीका बताऊंगा तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ शेमूसी पढ़ लिए बोर्ड एग्जाम में चले गए बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें बहुत बच्चे क्या करते हैं सिर्फ व्याकरण पर ही फोकस करते ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हमें स्टूडेंट क्या करना है व्याकरण से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए तो मैं भी जब आपको पढ़ाऊंगा तो हमेशा व्याकरण से ही स्टार्ट करूंगा और बीच बीच में हम लोग सेमूसी के चैप्टर भी पढ़ेंगे ऐसा क्यों करता हूँ इसके पीछे का कारण सुनिए जैसे सेमूसी बुक आप लीजिएगा और चैप्टर वन देखिएगा क्लास टेन का पहला चैप्टर है सूची पर्यावरणम यानी कि शुद्ध पर्यावरण के बारे में हम लोग को क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है ठीक है मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा लेकिन जब आप उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने जाएंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जाएंगे तो ये व्याकरण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा तो पढ़ने का क्या मजा चैप्टर आ रहा है लेकिन उसका क्वेश्चन ही हमसे नहीं हो रहा है तो आना ना आना बात तो बराबर है बोर्ड थोड़ी जानता है कि अरे क्या नाम है तुम्हारा सर राहुल है चैप्टर आ रहा है हाँ आ रहा है मार्क्स दे दो ऐसा थोड़ी होता है वो तो क्वेश्चन देखेगा तो इसलिए हमें सबसे पहले व्याकरण से स्टार्ट करना चाहिए और बीच बीच में हमें से मूसी के चैप्टर पढ़ने चाहिए और उसके बाद जब ये बहुत आगे तक निकल जाए तो बीच बीच में हमें पत्र चित्र और अपटित का प्रैक्टिस करना चाहिए जो मैं आपको कराऊंगा और अंत में हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद और वाच्य अनुवाद तो सबसे लास्ट में बहुत बच्चे अनुवाद से ही कहते हैं स्टार्ट कर दे देखिए अनुवाद आने के लिए आपको ग्रामर के हर एक टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेशन स्टूडेंट संस्कृत में बोलना तो क्या इंग्लिश में आप पहले दिन से बोलना स्टार्ट कर देंगे नहीं जब तक आपको नाउन प्रोनाउन भर्ब ये सब नहीं आएगा तो वही ये चीज़ है ठीक तो ये हुआ हमारा सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ कि हमें कैसे कैसे पढ़ना चाहिए और जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि मैं पूरे जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊँगा और पढ़ाऊँगा क्या मैं ऑनलाइन पढ़ा भी रहा हूँ बहुत बच्चे आप लोग मुझे जान ही रहे होंगे मास्टर साहब संस्कृत यूट्यूब पे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं उसके बाद स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात तीसरा बात कि हमें पढ़ना कितना देर चाहिए तो आप पढ़ने का भी एक आ, मतलब कि टाइम होता है मतलब संस्कृत बहुत कम देर पढ़ना पड़ता है अगर आप पूरा एकदम आपका संस्कृत कमजोर ही है तो आप 30 से 35 मिनट डेली अपनी पढ़ाई कीजिए संस्कृत की आपका हो जाएगा आप ठीक ठाक बच्चे हो संस्कृत में तो आपको 20 से 25 मिनट पढ़ना चाहिए और एकदम आप महारथी हो संस्कृत के बस टेंथ आपको जानने की जरूरत है तो आप तो सिर्फ वीडियो लेक्चर देखेंगे आपका काम हो जाएगा बस उसी का नोट्स डेली पाँच से दस मिनट रिवाइज कर लीजिएगा हो जाएगा लेकिन अगर कुछ आइडियल टाइम पूछेंगे तो मैं सभी बच्चे को कहूंगा कि बीस से पच्चीस मिनट आप संस्कृत की डेली पढ़ाई कीजिए एक टाइम बना लीजिए वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए वीडियो लेक्चर आ ही रहे मेरे तो उसको देखिए बस आपका संस्कृत हो जाएगा तो ये सब था स्टूडेंट उसके बाद बुक को लेकर एक बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर बुक हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए तो, तो देखिए बुक में क्या है कि सेमूसी बुक तो सभी बच्चे खरीद ही लीजिए अब इसमें भी पूछेंगे कि सर एन की बुक ले या हेल्प बुक आता है वो ले क्योंकि देखिए स्टूडेंट हमें आपकी हर एक प्रॉब्लम पता है कि आपका मन में क्या चलेगा जैसे मैंने बताया बुक खरीदना है सेमूसी ले सर एन वाला या हेल्प बुक हेल्प बुक ले तो अगर आप संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा वीक है तो मैं कहूँगा हेल्प बुक ले लीजिए आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ठीक और नहीं तो आप एन की लेंगे तो और अच्छी बात है जैसे ही आपकी इच्छा आप ले सकते हैं मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा समझा के पढ़ाऊंगा इसलिए कोई भी बुक लेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसके बाद व्याकरण को लेकर बहुत बच्चे पूछते रहते हैं तो व्याकरण की बुक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है व्याकरण मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ टॉपिक वाइज जितने भी बोर्ड के आज से बीस साल पहले के क्वेश्चन है या जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पूरा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही तो उसका एक अलग जगह नोट्स बनाइएगा उसी का प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा और जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आएगा ये तो बहुत दूर की बात है दिल्ली अभी दूर है तो हम लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेंगे बस इतना हो जाएगा तो बने रहिएगा स्टूडेंट हम लोग के साथ संस्कृत पूरे बेसिक से मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ तो जर्नी अच्छी रहेगी और देख रहे हैं यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आ गया है क्योंकि पंखा बंद है पंखा क्यों बंद है तो इसके पीछे का यही कारण है कि ताकि आपको एक बेहतर और सुशोभित आवाज़ आपको एक मधुर आवाज़ आप तक पहुँच सके मेरी धन्यवाद स्टूडेंट तो मिलते हैं संस्कृत के एक और नई जर्नी में और अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो अब तो जर्नी स्टार्ट ही होने वाली है आपके साथ तो पूछते रहिएगा मैं हर एक क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो धन्यवाद